गूगल एडसेंस नहीं बना पा रहे हो, दिक्कत आ रही है इसको बनाने में, कोई बात नहीं यार। तो आज की वीडियो इसी पे होने वाली, थंबनेल देखे तो यार आप लोग समझ ही गए होंगे। तो गूगल एडसेंस जो भी अकाउंट होता है, इसमें मैं आपको क्या करने लगा, उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो भी मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन होती वो आपको मैं बता दूंगा। सेकंड थिंग क्या होती है, जो कैसे आपको बनाना है आपको मैं वो बता दूंगा, उसका कब यूज करना है आपको ये भी बता दूंगा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। यार अगर चैनल पर नए हो यार तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब मोटिवेट फील कराता है। तो ठीक है, टॉपिक पे आ जाते हैं। तो जो गूगल एडसेंस है उसको बनाना और जो उसकी बेसिक बातें, दोनों अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं आपको जो बेसिक बातें वो बता देता हूँ कि देखो गूगल एडसेंस हम यूज कब करते हैं, जब हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर 4000 वॉच टाइम और 1000 जो सब्सक्राइबर हो जाते हैं। उसके बाद जब हम मोनेटाइजेशन के लिए यूज करते हैं, जब मोनेटाइजेशन के लिए हम अप्लाई करते हैं, तब हम क्या करते हैं, गूगल एडसेंस का यूज करते हैं, हमसे गूगल एडसेंस मांगा जाता है। तो गूगल एडसेंस होता क्या है यार, देखो गूगल एडसेंस सिंपल सी चीज एक है कि जो आपका जीमेल है, ठीक, उस जीमेल से क्या करना है, उस गूगल एडसेंस आपको बनेगा। और लेकिन आपको जो इसकी इंपॉर्टेंट बात ये हमेशा याद है कि जो गूगल एडसेंस है एक जीमेल से एक बार बनता है, वो मैटर नहीं करता कि अगर आप भूल जाते हो उसकी आईडी पासवर्ड या कुछ भी करते हो तो वो आपस से आपको नहीं मिल सकता। तो कभी भी बनाना तो ऐसे जीमेल से बनाना जो आपकी परमानेंट हो, जिसका पासवर्ड हमेशा आपके पास हो, और क्योंकि उसके बाद वो फ्यूचर में कभी चेंज नहीं हो सकता है। तो इस वजह से हमेशा ध्यान रख के एक जीमेल से एक बार बनता है, दोबारा आप नहीं बना सकते हो। तो उसके लिए फिर आपको दूसरा ही अपना जो भी जीमेल है आपको यूज करना पड़ेगा। तो एक चीज और जान लो, जो एडसेंस है इसमें एड्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है बहुत, क्योंकि कुछ लोग यार बाहर रह रहे होते, कुछ लोग कहीं रह रहे होते, तो उनको क्या होता है एड्रेस से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। उनको लगता है कि यार मेरा एड्रेस जो भी है यहाँ पे नहीं आ पाएगा ऐसा वैसा। तो ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ पे अभी वीडियो में आके देखोगे कि वहाँ पे दो एड्रेस आपसे पूछा जाता है, एड्रेस वन एंड एड्रेस टू। तो ऐसा करना कि जो एड्रेस वन है वहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल देना, और जो एड्रेस टू वाला कॉलम है उस पे अपना फोन नंबर अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना। जिससे होगा ये कि पोस्टमैन को आपका घर नहीं मिल रहा, पोस्टमैन को आपको घर ढूंढने में दिक्कत आ रही, तो आपको फोन करके क्या कर सकता है कि आपको पूछ सकता है। तो इसलिए एडसेंस में क्या होता है भाई, इससे ही हमको जो पैसे है, जो इससे ही हमको क्या होता है अर्निंग, जो भी गूगल या यूट्यूब की तरफ से हमें अर्निंग आती है वो एडसेंस के ही थ्रू आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हमेशा जब भी बनाना ध्यान से बनाना। भाई आगे चल के वीडियो में देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाना है, और जो भी थोड़ी बहुत बातें होंगी वो भी मैं आपको वीडियो में समझा दूंगा। तो आ जाते हैं अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है एडसेंस लॉगिन, बस ये लिखना है। सबसे पहले दिख रहा होगा सिंग इन टू कंटिन्यू एडसेंस, इस पे आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जिस भी जीमेल से लॉगिन करना होगा आप वो अपना जीमेल सेलेक्ट कर ले। मैंने अभी अपने सारे जीमेल को हाइड कर रखा है अपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो अभी मेरे को जो भी जीमेल चाहिए उसको मैं सेलेक्ट कर ले रहा, आपको भी जो भी चाहिए होगा आप उस जीमेल को अपना सेलेक्ट कर लें। तो करना क्या होगा, पहले अगर आपके पास कोई भी वेबसाइट है तो आप इस पर अपनी वेबसाइट डाल दें। तो अभी तो मैं नहीं डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सिंपली आई डू नॉट हैव पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या नीचे वाले जो ऑप्शन इस पर आपसे पूछा है, आपको कुछ सजेशन चाहिए या हेल्प चाहिए कुछ भी उसके लिए, तो अगर आपको कुछ सेलेक्ट करना है तो आप करिए, अगर आपको नहीं करना तो आप छोड़ दीजिए। तो मैं अभी ऐसे कर ले रहा हूँ सेलेक्ट यहाँ पे एक। फिर यहाँ क्या करना है, अपनी कंट्री सेलेक्ट करना है, आप जिस भी कंट्री में रहते हैं, मैं तो इंडिया का रहने वाला हूँ, तो आप भी अगर इंडिया के हैं तो आप इंडिया को क्या करें सेलेक्ट कर लें। उसके बाद क्या करना है, आपको इनकी जो टर्म एंड कंडीशन है उस पर एग्री करना है। देन उसके बाद क्या करना है, आपको स्टार्ट यूजिंग पे आना है। इसके बाद देखिए ये जो इनका पेज है, इनका जो मेन पेज आप खुल के आ चुका है। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे ऊपर एक नोटिफिकेशन दे रखा है इन्होंने जो वॉर यूक्रेन है, ठीक। हाँ तो यूक्रेन में क्या है, यूक्रेन में अभी इस चीज़ को बंद कर रखा है। किस वजह से, क्योंकि वॉर की वजह से इसको बंद कर रखा है। तो ठीक है, अभी हमें किस पे आना है, इसमें जो टेल एस अबाउट यू जो लिखा हुआ ऑप्शन, इस वाले पे आ जाना है। तो यहाँ पे क्या है, जो भी आपकी जो पर्सनल डिटेल है पर्सनल उसका मांगा जा रहा है। जैसे क्या है यहाँ पे, जो आप देख सकते हैं सबसे पहले में दो तरीके का, तो इंडिविजुअल है, और देखो इंडिविजुअल और बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है, जो इंडिविजुअल होता है जो आप खुद यूज़ कर रहे होते, और जो बिजनेस अकाउंट है जिसमें एक से ज़्यादा लोग होते हैं, ये किसी कंपनी या किसी और पर्पस से बनाया जाए तो वो बिजनेस अकाउंट होता है। तो मेरा तो ये इंडिविजुअल है, तो मैं इसे अभी इंडिविजुअल पर ही सेलेक्ट करूँगा। अगर आपके यहाँ पे अपना जो नाम है आपका, जैसे जो भी यूट्यूब का नाम है या फिर जो आपका रियल नेम है, आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हो। तो मैं अभी अपना रियल नेम लिख देता हूँ। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको
एड्रेस वन एड्रेस टू, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको दो एड्रेस पूछा जाएगा, तो एड्रेस वन एड्रेस टू, तो यहाँ पे आपको जो भी लिखना है अपना एड्रेस वो लिख सकते हो एड्रेस वन में, और जो एड्रेस टू में अपना कॉन्टैक्ट नंबर सिंपली आप लिख सकते हो। तो मैं अभी लिख के दिखा देता हूँ, जैसे मेरा जो एड्रेस है, तो आपको जो अपना एड्रेस वन है उसमें क्या करना है, आपको फुल अपना एड्रेस लिखना है, साथ में आपको क्या करना है जो आपका पिन कोड है उसको भी लिखना है, और एड्रेस टू में आपको यहाँ पे आ जाते हैं अपने कॉन्टैक्ट लिख देते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही कि आपने अपना एड्रेस डाला, नीचे की जो डिटेल है खुद ही भर के आ गए, जो मेरा होम टाउन है लखनऊ, पोस्ट कोड जो भी है, जो भी हमारा पिन कोड है वो भी खुद ही लिख के आ चुका है, उसके बाद जो हमारा स्टेट है वो भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश लिख के आ चुका है। फिर यहाँ पे क्या करना है, हमें फ़ोन नंबर अपना डालना है, उसके बाद क्या करना है हमें बस यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे आना है और सबमिट करना है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो एडसन नीड टू वेरीफाई योर फ़ोन नंबर, क्या बोल रहा है एडसन आपको जो फ़ोन नंबर को वेरीफाई करेगा, तो आप जैसे भी आपको करवाना है आप करवा सकते हैं, या तो वॉइस कॉल के थ्रू करवा सकते हैं, या तो जो टेक्स्ट मैसेज है उसके थ्रू भी करवा सकते हैं। तो मैं अभी टेक्स्ट का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं टेक्स्ट के ऑप्शन पे आ जाता हूँ और सबमिट सेंड कर देता हूँ। क्या करना है सबमिट पे फिर से सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, लेट्स गेट्स यू स्टार्टेड, जस्ट फॉलो द स्टेप टू स्टार्ट अर्निंग विद एड्स। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो चुका है, हमारा एडसेंस अकाउंट बन चुका है।